भाई को ज्यादा मिस करूंगा। हाँ वो तो करेगा ही, और तेरी बीएफ जो है हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है दोस्तों, कंटिन्यू हमारा 5-6 दिनों से शूट चल रहा है और आज लास्ट डे है शूट का। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन दिनों, एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना, नए लोगों से मिलना। और अभी जो है ऐसा लग रहा है कि 5-6 दिनों के बाद ऐसी बॉन्डिंग हो गई है सबके बीच। और फिर शूट कम्प्लीट होगा आज, फिर उसके बाद सब अपने अपने जगह चले जाएंगे। तो याद तो सब आते हैं ना, एक परिवार टाइप हो जाते हैं, जैसे 5-6 मिनट घर से बाहर आना पड़ जाए तो फैमिली है। हाँ। तो याद तो आता ही है कि सब मिले थे। तो आज का हमारे जो शूट है वो हम आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे आगे जो भी होता है वो हम दिखाते जाते हैं। फिर बने रहिए वीडियो के साथ। हमारे उमेश भाई का मेकअप चल रहा है। उमेश भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत मज़ा आया, सबसे मिलकर नया एक्सपीरियंस था। और हम चार लोग जो रूम में थे, चारों अलग दिमाग के, अलग सोच के, और सबका अपना अपना अलग एक्सपीरियंस, तो बहुत मज़ा आया। खासकर जो कैमरामैन है अभी, जो शैलेंद्र, उसके साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा हो गया था, तो याद करूँगा शैलेंद्र को। और हमारा प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, फिल्म भी बहुत अच्छा है, तो ज़रूर देखिए। बस बिछड़ रहे हैं आज, ये सोच के मैं अभी से दुख हो गया हूँ। फेस देख के तो लग नहीं रहा होगा। और एक बात तो अच्छी है कि कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, रोना आ रहा है मेरे को। और रो भी नहीं सकता क्योंकि कल मैं बहुत रोया और आज रोना चाहता। अरे यार बोलने देना, भग जा, बोलने नहीं दे यार, करवाई था ना बनावे ना बस। और क्या, अब तो बदला लेना है। गांव में भी बहुत दाऊगिरी दी। अब तो बदला लेना है गांव में भी बहुत दाऊगिरी दी। और अभी जो है हम यहाँ पांचों दोस्त हैं, देख रहे हैं, ये उमेश भाई, चैलेंज, अभिषेक, चेतन भाई और बादल। तो हम पांच दोस्त आज एक जगह बैठे हैं, आज जो फाइनली हमारा पैकअप हो रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यार आज के बारे में? बवाल मचा दिया है, बस पब्लिक को वेट कर रहे हैं इस मूवी के रिलीज होने का, थिएटर में जाके सुन रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद के साथ और पूरे मतलब 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग हंसोगे भी बादल भाई को देख के, आप लोग रोओगे भी सोहन भाई को देख के, और खूब मजा आएगा। पूरी मसालेदार पिक्चर है, कहीं भी कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसमें पब्लिक खुश ना हो। मैं बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इसका वेट कीजिए, जैसे हम प्रमोशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, रिलीज डेट आप उनकी तरफ डिलीवर करेंगे, उसके बाद आपको हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग जाइएगा और हमारी मूवी देखिएगा। हाँ सर, जाके सर। और हम अभिषेक भाई क्या कहना चाहेगा? मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा। आज उम्मीद करते हैं कि हम सब भाई लोग वापस
फिर से नई मूवी में नए प्रोजेक्ट में काम करती हूँ। बिल्कुल सब बना रहे हीरो। शूटिंग एक्सपीरियंस तो बहुत औसम रहा है, सब लोगों से घुलना मिलना, एक फैमिली टाइप का बॉन्ड हो गया है। दिन रात मतलब एक ही रूम में रहना, फिर स्क्रिप्ट में काम करना, एक साथ खाना पीना घूमने जाना, तो मज़ा तो बहुत आया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द हम सबको एक साथ फिर एक नया प्रोजेक्ट मिले और फिर अपन अपने जलवे दिखाएं और यहाँ एक्सपीरियंस करें नई नई चीज़ों को। बाकी यहाँ रहना है, खाने की व्यवस्था राजेश सर की तरफ से बहुत उत्तम श्रेणी की है। हमें न सुबह सुबह गर्म पानी की तकलीफ होने दी उन्होंने, ना पराठे मिल जाते थे, पराठे मिल जाते थे, अच्छा पोहा मिल जाता था, भजिया मिल जाता था, और सब बढ़िया है। DOP सब बढ़िया, डायरेक्टर सब बढ़िया, जितना जो चाहे वो तारीफ कर रहे हैं जितना। तो आज पैकअप का दिन है, आज के बाद थोड़ा सब बिछड़ जाएंगे, इसलिए मैं सबको और सबसे ज्यादा चेतन भाई, हाँ चेतन भाई को ज्यादा मिस करूंगा। हाँ वो तो करेगा ही, और BF जो है इसका इसका इसके दिल में बहुत कुछ रहता है लेकिन वो बयान नहीं कर पाता, बयान नहीं कर पाता। हम चारों दोस्त आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। आप लोगों को मेन इस मूवी में इंतजार करना है तो बादल भाई का करना है। अगर इस मेन मूवी में लीड किरदार जो है, अहम लीड मतलब जो एक्चुअल लीड है, वो भाई है। जीतू सर के साथ जो एक इनका डायलॉग है वो जरूर देख लो। दोस्तों मैं आपको एक शेयर अपनी जो फीलिंग है वो शेयर करना चाहता हूँ। शूट में जा रहा था, मेरा ब्रेकअप हो गया जी, तो मैं एक्टिंग में फाड़ दिया हूँ। दीपक भैया ने मेरा बहुत ध्यान रखा, इसके लिए धन्यवाद। अरे भाई अच्छा, सभी दोस्तों ने मुझे समझाया कि जब अपना करियर हो जाएगा तो ऐसा।